our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइव। दोस्तों, किसानों के दिल्ली चलो मार्च को लेकर राजधानी दिल्ली की सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है। पुलिस ने किसानों को रोकने का व्यापक इंतजाम भी किए हैं। किसानों को नहीं मानने के बाद उन्हें राजधानी में प्रवेश से रोकने के लिए पुलिस ने दिल्ली के बॉर्डर पर जो है वो किलाबंदी कर दिया है और सारे बॉर्डर्स को बंद कर दिया है। किसानों के ट्रैक्टर को रोकने के लिए कील वाले फ्रेम, कटीले तारों की फेसिंग और सड़कों पर सीमेंट के बोल्डर लगाए गए हैं। केंद्रीय मंत्री के साथ किसान संगठनों की बातचीत फेल होने के बाद अब किसानों का जत्था दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है। सरकार उन्हें हर संभव मनाने की कोशिश में जुटी हुई है, लेकिन किसान नेता अपने शर्तों से पीछे हटने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। किसानों को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने क्या तैयारी की है, हम आपको तस्वीर के जरिए पूरी जानकारी बताने वाले हैं। दरअसल बात करें तो किसान नेताओं के आर पार के जंग के ऐलान के बाद गाजीपुर, सिंघू, शंभू, टिकरी समेत सभी बॉर्डर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पुलिस ने साफ कर दिया है कि किसी ने भी अगर उपद्रव की कोशिश की या कानून व्यवस्था को छेड़छाड़ की तो उनके खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार से बातचीत फेल होने के बाद किसान अपने ट्रैक्टर के साथ शंभू बॉर्डर पर पहुंचने लगे हैं। किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती है वे अपना दिल्ली चलो मार्च जारी रखेंगे। बता दें कि किसान संगठन MSP की गारंटी की मांग को लेकर प्रदर्शन पड़े हुए हैं। इसके अलावा किसान संगठन स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू कराने की मांग भी कर रहे हैं। किसान संगठन पिछले आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमे को भी खत्म करने की लगातार मांगे कर रहे हैं। इन मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार के मंत्रियों ने किसानों के संगठनों की 5 घंटे लंबी बातचीत हुई, लेकिन यह असफल रहा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और अर्जुन मुंडा इस बैठक में शामिल थे। किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी चाहते थे, जिस पर जो है वो बात बिगड़ गई है। इसके बाद किसान नेताओं ने आर पार के जंग का ऐलान करते हुए कह दिया है कि दिल्ली कुछ होकर रहेगा। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिल्ली से सटी सभी सीमाओं पर रैपिड एक्शन फोर्स यानी कि दिल्ली पुलिस के जवानों की भारी संख्या में तैनाती की जाएगी। किसान संगठन द्वारा बुलाए गए दिल्ली चलो विरोध मार्च के मद्देनजर दिल्ली के सीमाओं पर कड़ी सुरक्षा कर दी गई है। गाजीपुर बॉर्डर पर ट्रैफिक स्लो और लोगों को बैरिकेडिंग होने की वजह से दिक्कत भी आ रही है। गाजीपुर से कुछ तस्वीरें भी सामने आई है जिसमें दिख रहा है यहां पर बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी जो है वह तैनात है। बाकी जिस तरीके से किसान संगठन लगातार दिल्ली की ओर कुछ कर रहे हैं उसका असर 24 के लोकसभा चुनाव में क्या पड़ेगा, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।